हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड कुल्फी की रेसिपी, वो भी बहुत ही कम सामान में। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड कुल्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हमने 2 कप दूध लिया है, और दूध हमने फुल क्रीम लिया है, तो दूध को हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में। अब हमें दूध को उबाल लेना है, और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। लो फ्लेम पे हम दूध को उबाल लेंगे। दूध यहाँ पे उबल गया है और हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। कस्टर्ड कुल्फी को क्रीमी बनाने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच हमने फ्रेश मलाई ली है। जो दूध के ऊपर मलाई आती है वही हमने ली है, और हमें फ्रेश मलाई लेना है, बासी मलाई नहीं लेना है। मलाई से फ्रेंड्स कुल्फी हमारी एकदम क्रीमी क्रीमी बनके तैयार होगी। तो अब हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2/3 कप हमने चीनी ली है, तो चीनी को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठंडी चीज़ें थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है। अब हम कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, और 4 चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कुल्फी का। मिल्क पाउडर से मावा जैसी कुल्फी बनके तैयार होती है। 4 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, और कस्टर्ड पाउडर हमने वेनिला फ्लेवर का लिया है, तो कस्टर्ड पाउडर को हम ऐड कर देंगे। 1/4 कप हमने दूध लिया है, और दूध हमने ठंडा लिया है। अब हम दूध को ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स करना है दूध में, ताकि इसमें लम्स ना बने। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके दूध में ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा हमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि फ्रेंड्स इसमें लम्स ना बने। मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया है, अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमें कस्टर्ड पाउडर और दूध को पकाना है। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है और पक गया है। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड कुल्फी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है, और बिना मोल्ड के ही हमने कुल्फी बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, और 1/2 चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है, और थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, तो हमने सभी को ऐड कर दिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है, और कस्टर्ड के मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ग्राइंडर जार लिया है, तो मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हमें ग्राइंडर जार में मिक्सचर को ऐड कर देना है। अब हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, एकदम स्मूथ हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। कुल्फी को जमाने के लिए हमने चाय के पेपर कप लिए हैं, तो हमने 4 कप लिए हैं। कुल्फी के मिक्सचर को हम कप में ऐड कर देंगे। सभी कप को हम इसी तरह से भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो छोटे स्टील के ग्लास होते हैं उसमें भी आप कुल्फी को जमा सकते हो। सभी को हमने भर लिया है, और सिल्वर फॉइल पेपर से हमें कवर कर लेना है। कप के बीचों बीच हमें नाइफ से एक होल बना लेना है। तो हमने सभी कप पे होल बना लिया है, और सभी कप पे हमें स्टिक लगा लेना है। 2 हमने कूलर लिए हैं, तो हम बचा हुआ मिक्सचर कूलर में डाल देंगे और कूलर को भर लेंगे। तो कूलर को भी हमें ज़्यादा फुल नहीं भरना है। दोनों कूलर में हमने मिक्सचर को ऐड कर दिया है। अब हमने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, तो हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। कुल्फी को हमने जमने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो ओवरनाइट के लिए हमने रख दिया था। अब हम कुल्फी को निकाल लेंगे। इजीली पेपर कप से कुल्फी निकल जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारी कुल्फी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनके तैयार हुई है। कुल्हड़ वाली कुल्फी भी हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।